नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधायक रणबीर गंगवा को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष के चुनाव के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य सदस्यों ने भी विधायक रणबीर गंगवा को सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि हरियाणा विधानसभा के सदस्य श्री रणवीर गंगवा, जो कि सदन में उपस्थित हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करें। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के सदस्य श्री रणवीर गंगवा, जो कि सदन में उपस्थित हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाएं। क्या कोई अन्य प्रस्ताव? अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित किए गए प्रस्ताव का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के सदस्य श्री रणवीर गंगवा, जो कि सदन में उपस्थित हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाएं। कोई अन्य प्रस्ताव? अब तक सदन के समक्ष केवल एक ही प्रस्ताव आया है कि श्री रणवीर गंगवा विधायक को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाए, इसलिए मैं सर्वसम्मति से उन्हें नव निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में घोषित करता हूं तथा उनसे आग्रह करता हूं कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रणवीर गंगवा जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे इस पद पर रहते हुए नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करते हुए इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और नए आयाम स्थापित करेंगे। सदन ने सर्वसम्मति से हमारे सदन के सदस्य विधायक श्री रणवीर गंगवा जी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना है। मैं श्री रणवीर गंगवा जी को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही सदन के सभी सदस्यों को, विशेष तौर पर विपक्ष के बंधुओं को, इस बात का धन्यवाद भी करता हूं कि सर्वसम्मति बनाने में सबने सहयोग दिया और एक मत से होकर के सर्वसम्मति से इस चुनाव को कराया, इसलिए सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नवनिर्वाचित हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं गंगवा साहब, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ जी। पहले तो मैं सदन का आभार प्रकट करता हूँ कि सर्वसम्मति से रणवीर गंगवा जी को आज सदन का उपाध्यक्ष चुना गया। बड़ा लंबा समय मिलकर काम किया है और जिला परिषद से लेकर राज्यसभा और दूसरी बार विधानसभा में जो आए, और ये सदन उम्मीद रखेगा कि मजबूती के साथ रणवीर गंगवा जी अपनी जिम्मेवारी को उपाध्यक्ष के तौर पर निभाने का काम करेंगे और सदन के अंदर सभी साथियों, खास तौर पर जैसे हुड्डा साहब कह रहे थे कि मेरे को एक अच्छा साथी दिया, विपक्ष को भी पूरा समय देंगे और सदन को अच्छी तरीके से चलाने का काम करेंगे। बधाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व सदन में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण व सदस्यगण, आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं
कि सभी दलों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी सभासदों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की है तथा मुझे सर्वसम्मति से इस महान सदन के डिप्टी स्पीकर के संवैधानिक पद के लिए चुना है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा व निष्पक्षता से इस महान सदन में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करूँगा। सदन की गरिमा व परंपराओं को अक्षुण बनाए रखूँगा तथा सदन की मर्यादाओं व जनहित को ध्यान में रखते हुए आपकी अपेक्षाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करूँगा। मैं इसके साथ साथ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के अति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक भारी मतों से जिताकर इस गरमा में महान सदन में भेजा है, जिसके फलस्वरूप ही